के उसके बाद मुंगा पलटाने लगे। भाई मैं नहीं झूलना, ये झूला ये वाला झूला तुम्हें झूलाएंगे। अबे झूल ले चल के, अरे आओ झूला झूला कर रहे थे ना। हेलो दोस्तों, आज हम लोग जा रहे हैं एक एग्जीबिशन पे। हमारे इधर थोड़े दूर पे, थोड़ी डिस्टेंस पे एक मेला लगा हुआ है लंदन थीम पे। तो पूरी फैमिली हमारी जा रही है, हम लोग बाइक से जा रहे हैं सब लोग। चलो देखते हैं, आपको मिलवाते हैं। ये रहा अपना चेला, मुझे ड्राइव करने जा रहा है, मतलब मजाक। चलिए चलते हैं, हाफ टिकट को अपने साथ बैठा कर। ये हमारा झक्करकटी बस अड्डा है कानपुर का, जहाँ पे काफी दिन से कुछ काम चल रहा है। और फाइनली हम लोग वहां पे पहुंच जाते हैं। और गाइस फाइनली हम लोग गाड़ी पार्किंग में लगाकर टिकट काउंटर पे आते हैं। टिकट काउंटर पे ज़्यादा भीड़ नहीं होती क्योंकि ये मेले का लास्ट डे था और बैनर वगैरह भी हट जाते हैं। फिर मैं टिकट लेता हूँ, 30 रुपीज़ की टिकट मिली एक आदमी की, और इस हाफ टिकट की पूरी फुल टिकट लगी। और मेले की टिकट लेकर हम लोग एंट्री करने लगते हैं। बोर्ड वगैरह हट गया तो कुछ अजीब दिख रहा है, और ये पूरे मेले मेरे को क्लाइंट बनाने के चक्कर में रहा है। हाफ टिकट लगेगा, रोगे मम्मी मम्मी करोगे, मम्मी मम्मी करोगे, कही रहे वाला झूला झूला दो, ये जंप वाला। और फाइनली इसको यहाँ से डांट खिलाकर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं मेले में। थोड़ा देख, यहाँ पे मेला है, जो खरीदना हो खरीदो। इधर आइए मेरे लिए। क्या कहाँ पे? ये पीछा नहीं छोड़ेगा भाई। क्या चाहिए तुम्हें? इधर तुम लोग देखो, हम लिए इनको। ये तुम्हारे लायक नहीं है बेटा, कुछ भी गजब बेइज्जती है। और मैं इसका क्लाइंट नहीं बनता। फिर आगे बढ़ते, पापा साथ में होते हैं, मैं पापा से बोल देता हूँ, पापा यहाँ बहुत अच्छा अच्छा सामान मिल रहा है। फिर पापा सुनिए क्या कहते हैं, अचार में सस्ते मिल रहे हैं पापा। पापा पापा ये अचार सस्ते मिल रहे हैं। अरे सब सड़े हैं, कभी खाने नहीं मिलते। फिर हम हाफ टिकट को फोन पकड़ा देते हैं। हम लोग आए हैं लंदन थीम के, यहाँ सब लोग 20-20 रुपए में खरीद रहे हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। इलेक्ट्रिकल चीजें के लिए 20 रुपए का है, ये 20 रुपए। ये देखिए मम्मी है, ये देखिए मैं गन ले रहा हूँ। ये कौन सी गन ले रहा है? हाई वाइट गन ले रहा हूँ, 30 रुपए। ये वाली गन ले रहे हैं हम लोग, ये तीन डाल दो बिल्ली हमने, ये वाली गन ले रहे हैं। फाइनली इसने मेरे को क्लाइंट बना ही लिया। कोई बात नहीं, इसी गुल्लक में बहुत पैसा है। हेलो, अरे मेरी है, हमने ली है, तो मैंने गोली भी खरीद ली है। अब मैं घर जाके डिस्काउंट डिस्काउंट करूंगा, डिस्काउंट डिस्काउंट मजे ही आएंगे बिल्कुल। अच्छा ये कहो पन्नी लाओ, ये देखिए ये हमारे आ चुके हैं। खाली गद्दारी कर बे, ठीक है ठीक है। ये देखिए हम लोग आ गए फिर से, सस्ते का माल। अरे कहना क्या चाहते हो? चलो गए भैया, शीशे वाला। कौन वाला? शीशे वाला, ये इसके अंदर। इसके अंदर ऐसा टेढ़ा मोड़ा मुंह हो जाएगा तुम्हारा। चलो भैया प्लीज चलो। हम लोग जा रहे हैं बिल्कुल भी शीशे में। पैसा बर्बाद। ये देखिए, और ये हाफ टिकट जीत करके अंदर तो चला गया था, लेकिन जब बाहर आया तो इसका रिएक्शन देखने काबिल था। हाँ बिल्कुल भी मजा नहीं आया, मैं सच बता सकता हूँ, बिल्कुल भी मजा नहीं आया। और ये मिरर हाउस से आने के बाद काफी निराश हो गया था, तो इससे बोला चलो आओ फायरिंग करते हैं। भैया क्या है फायरिंग का रेट है? 30 की 10 फायरिंग। और यहाँ पे बउआ फायरिंग करते हुए, भैया इसको थोड़ा ट्रेन कर दो भैया, अभी अभी जेल छूट के आया।
बेटा ये छोटा वाला ये देखो इसके कंधन दर्द ये जो भाई एक गुब्बारा तो फोड़ दे चलो 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 चलो। अब भैया इन्होंने अपना सब खिलौना पिलौना ले लिया है, अब हम लोग क्या क्या बोला तूने जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। चलते हैं थोड़ा सा खाने पीने, क्या खाओगे बे? हम पिज्जा खाते हैं पॉकेट वाला। अबे साले तभी मेरा माफ करना होगा। पिज्जा यहाँ पे कौन पिज्जा बनाएगा? है पीछे लग रहा है भाई, इसका ज्यादा ठंडा कर देते यार, मुंह बंद कर। फिर इनका बउआ का यानी हाफ टिकट का याली आइसक्रीम खाने का मन था तो रेडी करवा दी याली आइसक्रीम। वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है इसलिए मैंने और क्लिप को ऐड नहीं किया। सभी लोग ने अपना खा पी कर फाइनली हम लोग निकलने की तैयारी करने लगते हैं, क्योंकि काफ़ी रात हो रही थी। मेरे को बस एक चीज़ का डर था कि हम लोग भीगे ना, क्योंकि हम लोग बाइक से आए थे। बट अब फाइनली वक्त था मेले को बाय बोलने का, तो चलिए चलते हैं घर की तरफ। बाय गाइज, रास्ते में बारिश होने लगी थी लेकिन इतना अच्छा मौसम लग रहा था कि बस पूछिए नहीं। आप देखिए इस वीडियो में, आप देख सकते हैं गाइज, फाइनली हम अपने रूम पे आ चुके हैं। मेला वेला सब करके पूरी फैमिली हम लोग घर पे आ चुके हैं। बारिश हो रही थी, हम लोग काफ़ी हद तक भीग भी गए हैं और सूखे भी हैं, क्योंकि रुक गए थे जब बारिश हो रही थी, थोड़ा थोड़ा भीगे भी हैं। चलो इस ब्लॉग को गाइज यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग पर। बाय बाय।